क्या है मम्मा, वहाँ पे ऊपर ही खड़े हो ना, वो फैन का स्विच ऑन कर दो ना प्लीज। ओ गॉड, एक तो यहाँ पे सफाई करो दिवाली के, और बीच में मम्मी ये करो मम्मी वो करो, पता नहीं क्या चलता रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं नहीं मम्मी, वो आप वहाँ खड़े थे ना, मैंने इसीलिए बोल दिया, नहीं तो नहीं बोलती, वहाँ खड़े थे। लेकिन एक थे हमारे जमाने के बच्चे थे जो कि हम लोग, हमारे दिवाली की सब, जैसे दिवाली की छुट्टी होती नहीं थी स्कूल में कि पूरे घर में अच्छे से झड़का देते थे, सफाई कर देते थे। लेकिन अब एक तो इन बच्चों को बैठे बैठे तो सब चीज चाहिए, और ऊपर से मम्मी की कोई हेल्प तो करनी ही नहीं है। नहीं मतलब मम्मी तो यहाँ पे अकेली है, जो पूरी घर की सफाई भी अलग से करो, फिर इनको कुछ बना के भी खिलाओ, इनका ये करो इनका वो करो, और ऊपर से कर रहे हैं ये। लेकिन फिर भी तो बच्चों को इतनी भी अक्ल नहीं आती है कि ये नहीं कि जाकर के मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करते, वो भी मत करो, पेरेंटली शांति से काम करने तो दो। हम काम कर रहे हैं, बीच में सफाई कर रहे हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के स्टूल्स पे, और आप लोग बोल रहे हो कि जाकर के मम्मी ये पकड़ाओ मम्मी वो पकड़ाओ, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। हे भगवान, मतलब क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं ठीक है ना मम्मी, आप उतरो, रुको मैं करती हूँ। हाँ हेलो, हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग मम्मा। नहीं ये आजकल के बच्चे, इनको तो अभी देखो उठाने आई हूँ, 11 ही तो बज रहे हैं ना, 11 बजे थोड़ी उठ जाएंगे, कम से कम 12 एक तो बजने तो। वो मुझे याद ही नहीं रहा, वो क्या है ना मेरी रोजाना की आदत है ना इस वजह से। लेकिन ये तो त्योहार का टाइम है ना, तो हम पे आसान कर रहे हैं, इनको उठा उठा करके हालत खराब हो गई है। लेकिन इन लोगों से उठा ही नहीं जाता है। और एक हम थे हमारे जमाने में जो त्योहार के टाइम पे सुबह 4 बजे उठ करके हमारी मम्मी की हेल्प करते थे, लेकिन अब इन लोगों से तो 11 बजे तक तो देखो हिला ही नहीं जा रहा है। मतलब हम हमारे काम छोड़ छोड़ करके इनको बीच में उठाने के लिए आते जाओ। मैं उठ गई हूँ मैं। मम्मा ये क्या कर रही हो तुम? मैं बस 2 मिनट में जल्दी से रेडी होके आती हूँ। त्योहार के टाइम पे तुम्हें ब्लैक ड्रेस ही मिलती है, तुम्हारी अलमारी में जाके देखो और न जाने इतने सारे कपड़े, उनमें इतने अच्छे अच्छे रंग है, नीला पीला लाल कोई भी पहन लो, पर नहीं तुम्हें तो पहनना क्या ये काला ब्लैक ड्रेस। वो क्या है, ये मेरी न्यू ड्रेस थी ना, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। वैसे तो तुम अपनी अलमारी की सफाई कभी खुद तो करते ही नहीं हो, करती तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं, ये काले कपड़े बदलो, ये नहीं पहने, इसके अलावा कोई भी रंग पहन के जाओ पर काला नहीं। पूजा के टाइम बट ये मेरी न्यू ड्रेस थी, मुझे बहुत पसंद है। अरे नहीं कोई बात नहीं ना, मैं जा रही हूँ मैं आपके साफ करी हुई अलमारी में से कोई लाल पीला नीला ऐसा कुछ कलर की ड्रेस पहनने के लिए बस जा ही रही हूँ। आई एम गोइंग। अरे मम्मा सुनो ना। हाँ बोलो। वो इस बार दिवाली पे बहुत सारे गिफ्ट लेना, मेरे को मेरे लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लेने, और आप गिफ्ट लेने जा रहे हो ना तो मुझे बता देना। बस लिस्ट बना रही हूँ अभी, मार्केट जाकर के जो भी सामान लाना है उन सब की, तुम्हें भी कुछ लाना है तो बोल दो मुझे। मेरे लिए लाइट्स कलर्स बहुत सारी चीजें लेके आनी है, तो आप मुझे जल्दी से बता देना, हम लोग लेके नहीं चल। गिफ्ट्स? नहीं गिफ्ट्स का कुछ नहीं लाना है। तो फिर आप गिफ्ट्स का क्या करने वाले हो? गिफ्ट्स ना पिछली बार के बहुत सारे आए हुए पड़े हैं, चद्दर्स पड़ी है, डिनर सेट पड़े, बर्तन पड़े, और भी बहुत सारे बाउल्स कप सेट वगैरह पड़े, मैं वही सब यूज करने वाली हूँ, तुम उनको टच करने की हिम्मत भी मत करना। वाह मम्मी आप तो बड़े स्मार्ट हो। अब बोलो, अब नहीं क्या फरमाइश है तुम्हारी? अच्छा तुम्हें ये बना दूं मैं वो बना दूं, तुम्हें छोले चाहिए तुम्हें पूरी चाहिए तुम्हें स्वीट्स भी चाहिए, और लेकिन हेल्प तो बिल्कुल नहीं करनी। मेरा आधा दिन तो सफाई में चला जाता है, बच्चा आधा दिन तुम्हें उठाने में, तुम ये पहनो तुम वो पहनो, इन सब में चला जाता है। अब थोड़ा बहुत दिन जो बचता है उसमें मैं सारे दिन किचन में घुसी रहूं, ये बनाना वो बनाना, मतलब इसके अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ये लो ये थोड़े बहुत कपड़े हैं, इनको समेट कर रख दो बस, जो तुम्हें जो भी खाना है ना थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझसे नहीं होने वाला। हैप्पी दिवाली गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कॉमेडी भी लगा होगा। वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट पे लिख के मुझे जरूर से बताइएगा, एंड आप लोग कौन से पार्ट से रिलेट कर पा रहे हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंजॉय एंड बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।